कैथल का हरियाणा पुलिस का एक जवान सर्दी के मौसम में शांता क्लास की तरह गरीबों के दुख दर्द कम करने की कोशिश में जुटा है। कैथल पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल सुनील कुमार ने शुक्रवार को अपने साथियों के साथ हैफेट के गोदाम के पीछे स्थित 50 झुग्गियों में गर्म कपड़े, कंबल और जूते बांटे। ये कपड़े स्कूलों और सोशल मीडिया की सहायता से इकट्ठे किए जाते हैं और यह सिलसिला सर्दी के खत्म होने तक जारी रहेगा। सुनील कुमार अपने साथियों के साथ पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाने का काम भी करता है। इसी साल उसने अपनी जेब से पैसे खर्च कर 10,000 पौधे लगाए थे। सुनील कुमार 150 घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने में सहयोग भी कर चुका है। इसके अलावा सुनील कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 40,000 तिरंगे बांटकर सेल्फी मुहिम भी चलाई थी। 8 साल पहले सुनील कुमार ने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी, तभी समाज सेवा का यह सफर भी शुरू हुआ था। सुनील कुमार को समाज सेवा के कार्य करने की प्रेरणा अपने परिवार से ही मिलती है। आइए जरा सुनील कुमार की बाइट सुन लेते हैं। पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। हमने करीब 8 साल से पहले एक मुहिम शुरू की थी, ड्यूटी ज्वाइन की, तब से जहां हमें मौका मिलता है गांव में मुनियादी कराते हैं या अपने दोस्तों को फेसबुक के माध्यम से जोड़कर अलग अलग एरिया में, कभी जींद कभी कैथल, हम स्कूलों में जाकर बच्चों से पुराने कपड़े इकट्ठे करते हैं और फिर झुग्गी झोपड़ी भट्ठे हर जगह देते हैं ताकि सर्दी से कोई ना मरे और किसी का तन ढक सके। हम कई साल से कर रहे हैं सर, और अभी गर्मियों में पर्यावरण को बचाने के लिए हमने 10,000 पौधे अपनी सैलरी से खरीद कर लगाए हैं और बांटे हैं लोगों को ताकि पर्यावरण स्वस्थ रहे। और CM साहब ने, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने हमें इसलिए सम्मानित किया था कि हम कुछ हटके कर रहे हैं और जिससे पुलिस के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती है और हमारे ऊपर विश्वास बढ़ता है। ये मुझे अपने माँ बाप से ही मिली है। अब फादर नहीं है लेकिन वो पौधे बहुत लगाते थे। आज सुबह भी मेरी माता ने, हमारे यहाँ एक अच्छी काफी उम्र के हो गए हैं, खागड़ हैं जैसे गांव में, नंदी को खागड़ बोलते हैं, उनके लिए एक रिजाई का वो उतार कर बिल्कुल जुल बना के डाला। मुझे वहां से ही प्रेरणा मिलती है अपने घर से ही सर। को यही कि मिलजुल के एक दूसरे की मदद करें। जो गरीब आता है वो भगवान के बाद, वो भगवान को तो याद करता है लेकिन वो पुलिस के पास ही आता है अपने किसी भी जुर्म हो, किसी के साथ ज्यादाती हो, इंसाफ के लिए। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप अन्यायी के साथ अन्याय ना होने। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सुनील कुमार का हौसला बढ़ाने के लिए दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।